कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMOAI के ईसीएल शाखा के पूर्व महासचिव डॉक्टर प्रकाश रंजन का अभिनंदन समारोह ईसीएल के सतग्राम क्षेत्र के अतिथि गृह में मनाया गया। इस अवसर पर CMOAI के ईसीएल शाखा के अध्यक्ष सह कनस्तुड़िया क्षेत्र के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शाखा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही CMOAI के एक्सप्रेस बॉडी के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मालूम हो कि डॉक्टर प्रकाश रंजन 2014 से 2023 तक CMOAI के ईसीएल शाखा के महासचिव के पद पर रहे और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की वेतन वृद्धि, PRP पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को काफ़ी गंभीरता से विभिन्न फोरम पर उठाया। इस तरह संगठन को मजबूत भी बनाया। डॉक्टर प्रकाश रंजन इसी वर्ष जुलाई 2023 में सेवानिवृत्त हुए। उनके सेवा से निवृत्त होने पर CMOAI के ईसीएल शाखा की ओर से उन्हें विदाई देते हुए उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा ने डॉक्टर प्रकाश रंजन की अधिकारियों के हितों को लेकर उनके कार्यों का बखान किया। ACP माइंस क्षेत्र के महाप्रबंधक अशोक कुमार आनंद ने भी डॉक्टर रंजन के कार्यों का जिक्र किया। इस अवसर पर सतग्राम क्षेत्र के महाप्रबंधक उपेंद्र सिंह, काजोड़ा क्षेत्र के GM SK चौधरी, केंद्र क्षेत्र के महाप्रबंधक विनय सहगल, गौतम सेन गुप्ता, अजय राय, JP सिंह, RKP सिंह, हरिशंकर सिंह, प्रसून स्मृति, प्रभाकर कुमार व धीरज ठाकुर विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर रंजन के व्यक्तित्व और कृतित्व की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं डॉक्टर प्रकाश रंजन ने इस तरह का सम्मान समारोह आयोजित करने पर सभी क्षेत्रों के अधिकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट।